तो आज देखते हैं एक बहुत ही बेहतरीन एलिजाबेथ होम्स की कहानी, जो कि एक समय दुनिया की यंगेस्ट सेल्फ मेड बिलियनियर वुमन थी। लेकिन जल्दी उसका नाम फॉर्च्यून की 19 मोस्ट डिसअपॉइंटेड लीडर्स की लिस्ट में आया। तो अचानक ऐसा क्या हुआ? साल 2013 में एलिजाबेथ ने स्टैनफोर्ड से ड्रॉप आउट करके अपनी कंपनी शुरू की थेरानोस। इस कंपनी का कंसेप्ट यह था कि जहां पर आपको अलग अलग डिजीजेस को डायग्नोस करने के लिए कई सारा ब्लड देना पड़ता है, वही थेरानोस ने डेवलप की हुई एडिसन मशीन ब्लड के सिर्फ 2 से 3 ड्रॉप से 200 से भी ज्यादा डिजीजेस को डायग्नोस कर सकती है। कंपनी का ये कंसेप्ट और इन्वेंशन काफी रिवॉल्यूशनरी था, जिसके चलते कई सारे बिलियनियर इन्वेस्टर्स ने कंपनी में इन्वेस्ट किया। लेकिन फिर साल 2016 में वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इस पर एक इन्वेस्टिगेशन शुरू किया, जिसमें उन्हें पता चला कि कंपनी की एडिसन मशीन एग्जिस्ट ही नहीं करती। और जब ये चीज बाहर आई, तब जाकर ये पूरा स्कैम बाहर आया, जिसमें इन्वेस्टर्स के हजारों करोड़ डूब गए। जिसके बाद एलिजाबेथ होम्स और उनके कोफाउंडर रमेश बलवानी पर कई सारी केसेस फाइल की गई। रिसेंटली एलिजाबेथ उनमें से कई सारे आरोपों में गिल्टी पाई गई है। तो कभी भी एलिजाबेथ होम्स ना बने, और फाइनेंस के शेरलॉक होम्स बनने के लिए जरूर कन्वे को सब्सक्राइब कीजिए।